श्री राजनाथ सिंह को भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह ये लोग स्वागत कह रहे हैं कि अब देश में राम राज आ गए हैं। क्या लग रहा है राम राज आ गए? एकदम होना जरूरी है, इसलिए बहुत दुराचार काम हो रहा है इस धरती पर में, गौर अन्याय हो रहा है जिससे बढ़कर के नहीं होना चाहिए। दरभंगा के शिवनगर घाट में मौजूद हैं खासकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यहाँ पे पधार रहे हैं। उनकी वाणी सुनने के लिए तमाम मिथिला के जो लोग हैं यहाँ पे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। खासकर उनके स्वागत में संघ की आवाज़ से पूरे मिथिला में एक मैसेज दे रहे हैं कि भव्य स्वागत राजनाथ सिंह को किया जाएगा। बताइए बाबा, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग कुशेश्वर स्थान से आए हुए हैं। बाबा कुशेश्वर को पंडा है आ सनातन का झंडा लिए हुए पूरे देश में फहराना चाहते हैं। अब मोदी जी को 400 पार विश्वास कराना चाहते हैं। 400 पार करिए जी, 400 पार अब की बार मोदी सरकार 400 पार। और क्या बताइए, राष्ट्र का निर्माण भी इतना खुश है, एकदम सब खुश है, हम लोग भी खुश हैं, सब खुश है, सब खुश है। राजनाथ सिंह का स्वागत होगा, राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत होगा, भव्य स्वागत होगा, शंखनाद भी होगा। देखिए यहाँ पे संघ की आवाज है, शंख बजा रहे हैं, यानी राजनाथ सिंह को भव्य तरीके से स्वागत किया जा रहा है। हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह ये लोग स्वागत में लगे। बीजेपी के महिला कार्यकर्ता हैं, वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और बढ़ चढ़ कर आज राजनाथ सिंह को भव्य स्वागत करेंगे, क्योंकि मिथिला के हृदय स्त्री पर आ रहे हैं और उनका स्वागत भव्य रूप से किया जाएगा। यहाँ देख रहे हैं महिलाओं की जो संख्या है काफ़ी, अब बढ़ चढ़ कर यहाँ भाग ले रही है। अब बताइए आप लोग कहाँ आए? मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हम लोग जिताएंगे इस बार बिहार से, हम लोग बहुत मोदी सरकार से खुश हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग टाडी ब्लॉक अली नगर विधानसभा कठरा पंचायत से आए हैं। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से तो 40 किलोमीटर होगा। 40 किलोमीटर दूर से आए? 40 किलोमीटर से। राजनाथ सिंह को स्वागत करने के लिए हम लोग आए हैं। तो क्या लग रहा है 2024 में आप लोग मोदी जी को फिर से पीएम बनाइएगा? फिर से पीएम बनाएंगे हम लोग, लग रहा है ऐसा? बहुत लग रहा है, बहुत अच्छा बुझा रहा है हम लोग को। तो कितने बजे राजनाथ सिंह यहाँ पे आएंगे? 3 बजे से बोला गया है जाएंगे यहाँ। 3 बजे से? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सुधा देवी, जिला मंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए यहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं सभी लोग आए हैं। आप बताइए आप भी आए हैं? हाँ हम भी आए हैं। कहाँ आए हैं? आए हैं रामराज सिंह के स्वागत में। राजनाथ सिंह को भाषण सुनने के लिए आए हैं? हाँ। कितना दूर से आए हैं? 37 किलोमीटर। 37 किलोमीटर, देखिए बड़ी दूर दूर से, यानी 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर से महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और राजनाथ जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनके स्वागत में आज जमकर ये लोग जो राजनाथ सिंह जी का दर्शन करने के लिए आए, स्वागत के लिए आए हैं, कितना खुश हैं आज आप? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। कहाँ से आए हैं? हम मनीगाछी से आए हैं, राजेश से। मनीगाछी से आए हैं? मनीगाछी से आए हैं। कहाँ पे आज ये प्रोग्राम है? शिवनगर घाट जनता हाई स्कूल पर। शिवनगर घाट में? शिवनगर घाट में। तो क्या 2024 में आप लोग जो पुरुष हैं क्या ध्यान दीजिएगा मोदी जी को? पूर्ण पूर्ण से ध्यान दे रहे हैं। 400 पार। क्या नाम हुआ आपका? शशिनाथ ठाकुर। क्या 400 पार कीजिएगा? एकदम पूरा बिल्कुल एकदम तन मन के साथ करेंगे। हम मानेंगे कि जो कार्यकर्ता है राजनाथ सिंह के भाषण को सुनकर उनका मन कैसा हुआ, क्या आप भाषण सुने आज? जी पूरा सुने। कैसा भाषण रहा? बहुत अच्छा भाषण रहा, कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। जिस तरह से लोगों का उत्साह है यहाँ देखने से पता चला, जो राजनाथ सिंह के भाषण से बहुत ज़्यादा लोगों में खुशी है। और वो जो बताए हैं वो एकदम परफेक्ट बताए हैं, जो हम दूसरे के द्वारा गलत बयानी नहीं करते हैं दूसरे पार्टियों के जैसे। मैं जो करता हूँ वही मैं अपने वादा करता हूँ, चाहे 2014 का इलेक्शन के जो घोषणा पत्र है उसको उठा के देख लीजिए, मीडिया में भी कहा है, जो भी 2019 के घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया उसको पूरा करने का काम किया। फिर 2019 के चुनाव में भी जो वादा किया उनके घोषणा पत्र में वो हुबहू कर, विपक्षी बार बार कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, आज वह भी साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, जो मैं तारीख भी बताऊंगा और मंदिर भी बनाऊंगा, धारा 370 भी खत्म करूंगा, मैं जो भी घोषणा करता हूं वो परफेक्ट करता हूं और उस पर अडिग रहता हूं। मैं वोट की राजनीति के लिए नहीं करता हूं, भारत माँ के सर को ऊंचा करने के लिए मैं राजनीति करता हूं। मैं जो भी करता हूं निस्वार्थ भावना से करता हूं। 10 वर्षों में हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप केंद्रीय मंत्री या स्टेट में नहीं लगा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। पहले जो होता था, सरकार जो आता था यहाँ एक रुपया भेजते थे तो कहते थे 15 पैसा स्टेट में पहुँचता, अभी एक पैसा बीच में बिचौलिया के नहीं जा रहा है। क्या लग रहा है कि 2024 में 400 का पार हो जाएगा जिस तरह से आज? हमको तो
लगता है जो 400 पार क्या इतना ज्यादा होने जा रहा है जो पिछला सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धीरेंद्र कुमार सिंह हुआ, मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। बाबा बताइए, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भाषण सुनिए। हाँ, कैसा लगा भाषण? दिल क्या खुश क्या संदेश दिया? दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया एकदम। क्या कुछ संदेश दिया? और मैं ये भी उनको दुआ देता हूँ, मैं आशीर्वाद देता हूँ, बजरंग बली का सेवक हूँ, जो वे काम करते हैं उनको सफल हो। सफल हो? हाँ। तो क्या 24 में तन मन धन से ये? हाँ एकदम होना है। आशीर्वाद दे रहे हैं? हाँ आशीर्वाद हम दे रहे हैं, इसलिए स्वार्थ और निस्वार्थ, यहाँ स्वार्थ की जरूरत नहीं है, यहाँ निस्वार्थ की जरूरत है। तो मैं इसलिए खुश हूँ जो ये बोलते हैं वे करके तो दिखलाते हैं, मतलब जो कहते हैं वही करते हैं। वही करते हैं, दूसरे तो नेता देखता नहीं है कि हवा हवाई दे रहे हैं। हाँ हवा हवाई की तो बात है नहीं, तो मैं इनके प्रति बहुत खुश हूँ और आम पब्लिक भी खुश है। और हनुमान जी का अगर कृपा और राम जी का, राम कौन और रहीम को, मैं वही राम और वही राम, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान का औलाद है वही इंसान बनेगा। यहाँ हिंदू और मुस्लिम की जरूरत नहीं है, यहाँ हिंदू और मुस्लिम की जरूरत नहीं है, वही रहीम राम है। मानदंड को पता नहीं है, हिंदू को पता नहीं है जो रहीम कौन है। अगर हिंदू समझ जाए जो रहीम क्या है और मानदंड अगर समझ जाए जो राम क्या है, तो पर्दा खुल जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा रामनाथ जी कहे हैं कि अब देश में राम राज आ गए हैं, क्या लग रहा है राम राज आ गया? एकदम होना जरूरी है, इसलिए बहुत दुराचार काम हो रहा है इस धरती पर में, घोर अन्याय हो रहा है जिससे बढ़कर के नहीं होना चाहिए। बेटा अपने माँ को नहीं सेवा करता है, पिता को सेवा नहीं कर रहा है, अपने परिवार को नहीं सेवा कर रहा है, तो अब इससे भी घोर अन्याय होता है। हाँ कहाँ से आए हैं आप? मेरा घर पड़ता है ग्राम रूपनगर, मैं यहाँ दुर्गा जी का पुजारी और हनुमान जी का पुजारी हूँ। सुन के लोग पूरे जोश और जुनून में मतंग हो गए हैं, क्योंकि 24 में अब वास्तव में 400 पार कर ही देंगे। फिर मिलते हैं अगले न्यूज में।